हेलो गाइज, वेलकम टू दिस वीडियो और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ड पावर मेड इजी के समरी की। हम बात करते हैं इस पूरी वीडियो सीरीज में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेशन नंबर 29 एंड सेशन नंबर 30 के बारे में। अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। उसके बाद आप इस वीडियो सीरीज को आगे देख सकते हो। और ये जो प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में सेशन 1 से लेकर सेशन 30 तक के सारे वीडियोज आपके अवेलेबल हैं। ठीक है, तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना। प्लेलिस्ट को आप वॉच लेटर में अपने सेव कर लो, जिससे कि आप उसको एक एक करके सारे वीडियोस देख पाओ। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो किताब है वर्ड पावर मेरी मेड इजी, बहुत ज़्यादा जरूरी है। चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो, चाहे आप बैंक की तैयारी करते हो, चाहे आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, एफकैट की तैयारी कर रहे हो, आप सीटेट पेपर देने जाते हो, आप गेट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कैट की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग वोकैबुलरी की जो बिल्ट होती है, जो बनती है, वो आपकी इसी किताब के जरिए बनती है। इसलिए इस किताब को आप जरूर 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 से सब्सक्राइब से आप पढ़ लीजिए, खरीद लीजिए। आप देखिए 100-150 रुपए की किताब है, बहुत महंगी नहीं है। तो कई लोग पीडीएफ मांगते हैं किताब की, पीडीएफ सर, तो किताब की पीडीएफ तो मेरे पास नहीं होती, लेकिन आप लोग इस किताब को अपने अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से या फिर बुक स्टोर से कहीं से खरीद जरूर लो, क्योंकि किताब बहुत जरूरी है और बहुत अच्छी किताब है। इससे आपकी वोकैबुलरी एक एटलीस्ट जो लेवल तैयार होता है ना हमारा, वो एक बहुत अच्छा तैयार होता है कि हमारा बेस फाउंडेशन तैयार होता है और आपको समझ में आने लगता है कि वोकैबुलरी हमें पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो इसको जरूर से पढ़िए सब लोग और इस प्लेलिस्ट को आप सेव कर लीजिए, जिससे कि आप इसके सारे वीडियोज एक एक करके देख पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, आई हैव बीन एजुकेटर ऑन अनअकैडमी सिंस फरवरी 27। इसके अलावा अनअकैडमी के अलावा मैंने एसएससी सीजल 2016 क्लियर किया है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ऑडिटर के पद पे सेलेक्ट हुआ था। मैंने एसएससी सीएचएसएल 2015 भी क्लियर किया है। आई हैव बीन फॉर्मर फैकल्टी एट माई पाठशाला। तो ये मेरे बारे में जानकारी है। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी पर मुझसे या फिर यहाँ पर जितने भी टीचर्स आपको दिखते हैं, इनमें से किसी से भी आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन जरूर ले लीजिए। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको रेफरल कोड यूज़ करना है, AMANT। आई होप आपको ये रेफरल कोड दिख रहा होगा, AMANT, ये मेरा रेफरल कोड है, जिसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑल अनअकैडमी प्लस कोर्सेज। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको 5400 रुपीज़ में और 6 महीने का सब्सक्रिप्शन 4320 रुपीज़ में मिल जाएगा। अगर आप फर्दर डिस्काउंट चाहते हैं या आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड किसी भी चीज़ से, तो आप देखिए जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सभी से कहूँगा आपको सब्सक्रिप्शन लेना नहीं लेना वो एक अलग बात है, लेकिन व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो 8299117042। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसको आप सेव कर लो अपने मोबाइल में और उस पर एक पिंग कर देना, मैसेज कर दो और अपना नाम बता देना, तो मैं अपने मोबाइल में सेव कर लूँगा। तो आप सब लोग एक कनेक्टेड रहेंगे हम व्हाट्सएप पे, और आपस में जब भी कोई बात हो तो आप मुझसे कह सकते हैं, मैं आपसे कह सकता हूँ। तो ज़रूर से व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, ये मेरे कुछ कोर्सेज हैं जो शुरू हो रहे हैं, तो जिनको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। रेफरल कोड मैंने आपको बता दिया है, उसके बारे में जानकारी होगी। क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी। देखिए, क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। ठीक है, मैं व्हाट्सएप कर दोगे तो मैं व्हाट्सएप पे भी आपको डायरेक्ट भेज दूंगा पीडीएफ, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग एक काम जरूर करिएगा कि पीडीएफ जैसे पार्ट जब पूरा हो जाएगा तब आएगी। जैसे ये पार्ट जो आप देख रहे हो, ये है पार्ट 11, तो पार्ट 11 और पार्ट 12, पार्ट 11 जब पूरा हो जाएगा तभी आपको पीडीएफ मिलेगी, बीच में पीडीएफ नहीं मिलेगी, क्योंकि वो बीच में टूटी हुई पीडीएफ का मतलब नहीं रहता। तो इसलिए आपको पीडीएफ जो है एक साथ तभी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। हम बात करने वाले हैं हाउ टू इंसल्ट योर एनिमीज, यानी कि आप अपने एनिमीज को इंसल्ट कैसे करेंगे। ये तो काफ़ी ज़रूरी है ना, क्योंकि थोड़ा बहुत इंसल्ट करना भी ज़रूरी है। अगर आप कल को सेलेक्ट हो गए, सफल हो गए, तो अपने रिश्तेदारों को कैसे इंसल्ट करेंगे, हालांकि इट्स नॉट अ गुड थिंग। एनीवेज, तो इंसल्ट करने के लिए क्या आपके शब्द हैं, इन सभी शब्दों को आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में देखो यार, अगर आप पढ़ने आए हो तो पढ़ने के लिए पढ़ लो, मीम्स देखने आए हो तो मीम्स देखने के लिए पढ़ लो, एटलीस्ट आप वीडियो पूरा देखो, क्योंकि एंड तक आपको कुछ नहीं तो अच्छे मीम्स ही दिख जाएंगे, अच्छे वीडियो पिक्चर्स ही दिख जाएंगी, थोड़ा हंस लोगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड हमारा क्या है, मार्टिनेट। मार्टिनेट क्या है, मार्टिनेट का मतलब क्या होता है, मार्टिनेट का मतलब होता है आपका समवन हु डिमांड्स एग्जैक्ट कन्फर्मिटी टू रूल्स एंड इनफॉर्म्स, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो ये कहता है कि बिल्कुल नियम कायदे से काम होना चाहिए, नियम कायदे से हट के कोई भी कार्य ना हो, उसे हम कहते हैं मार्टिनेट। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका,
डिसिप्लिनर, एनफोर्सर या टास्क मास्टर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रखिए, द प्रिजन्स वार्डन वॉज अ क्रूअल मार्टिनेट, यानी प्रिजन का जो वार्डन था वो क्रूअल मार्टिनेट था, जो नियम कायदे के अकॉर्डिंग ही चलता था। नाउन बनाना है आपको, ISM लगाइए इसमें, तो ये क्या बनेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो क्या हो जाएगा, मार्टिनिज्म, मार्टिनेटिज्म। और एडजेक्टिव बनाना है तो मार्टिनेटिश, ISH लग दोगे तो आप मार्टिनेटिश कर दोगे, है कि नहीं। चलिए अगले वर्ड पर आते हैं आपका, तो मार्टिनेट को याद रखने के लिए सिंपल सा आप याद रख सकते हो आर्टिकल 15। अगर मूवी नहीं देखी है तो जाकर देखना, संडे है कल, मूवी बहुत अच्छी मूवी है। अगर नहीं देखी है और देखिए तो कमेंट में बताना कैसी लगी थी आपको ये मूवी। मार्टिनेट का मतलब क्या होता है, मार्टिनेट आप जैसे आर्टिकल 15 में ये जो कैरेक्टर है आयुष्मान खुराना का, ही इज अ मार्टिनेट कैरेक्टर, यानी कि पर्सन हु फॉलोज ऑल द रूल्स, नियम कायदे के अकॉर्डिंग चलता है और उसी के अकॉर्डिंग काम करता है, तो उसे आप याद रख सकते हो मार्टिनेट। ठीक है, सिंपल से याद रखने का तरीका, यार हमें कैसे भी याद हो जाए, वोकैबुलरी याद करनी है, मूवीज से याद हो जाए, मीम से याद हो जाए या वेब सीरीज से याद हो जाए, हमें याद करने से मतलब है। ठीक है, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना जरूर कि कैसा लगा ये आपको तरीका। ठीक है, अब देखो ये जो साइकोफेंट है, साइकोफेंट का स्पेलिंग पहले जरूर याद रखो, स्पेलिंग करेक्शन में ये वर्ड आ सकता है साइकोफेंट, क्योंकि साइकोफेंट में हमें याद होता है साइकोलॉजी का पी से शुरू होता है, तो हम साइकोफेंट भी सी पी से शुरू कर देते हैं, गलत होगा। साइकोफेंट की स्पेलिंग क्या है, साइको, इसमें वर्ड आया आपका साइनो मतलब फिग और फेनिन मतलब टू शो, तो साइकोफेंट का मतलब याद रख लो सिंपली नाउन है, मीनिंग हो जाता है अ पर्सन हु ट्राइज टू प्लीज समवन इन ऑर्डर टू गेन अ पर्सनल एडवांटेज, यानी कि आप किसी की चापलूसी करें, आप किसी की बूट लिकिंग करें, आप किसी की चापलूसी चाटुकारिता करें जिससे कि आपको कुछ फायदा हो जाए, इसे हम कहते हैं साइकोफेंट। ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका, क्रॉलर, लैकी, टोडी। एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रख सकते हो द प्राइम मिनिस्टर इज सराउंडेड बाय साइकोफेंट्स, प्राइम मिनिस्टर के चारों तरफ चाकटुकार या साइकोफेंट्स, चापलूस, चमचे घूमते रहते हैं। ठीक, नाउन क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा आईसी इसमें लगा दोगे तो साइकोफेंटिक इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा और साइकोफेंसी भी इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही रहेगा। साइकोफेंटिक, ही इज अ साइकोफेंटिक पर्सन, साइकोफेंटिक एडजेक्टिव हो जाएगा बेसिकली, इट विल नॉट बी नाउन। चलो अब इसका जो मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, प्लीज़ कोई ऑफेंड मत होना यार, इसको बस ऐसे हल्के फुल्के में ले लेना, ठीक है, ऑफेंड मत होना भाई, नहीं तो मेरे फालतू में मेरी बात पे ऑफेंड क्यों होना है कि नहीं। चलो ठीक है, पसंद आया हो तो लाइक कर देना, नहीं आया हो तो इग्नोर कर देना, कोई बात नहीं, गुस्सा मत होना लेकिन। हाँ, अगला वर्ड हमारा क्या है, डाया, डाया का मतलब क्या है, थ्रू। ठीक, अब फेनिन, ठीक है, चलो उसमें तुम्हें गुस्सा आया था, इसमें तुम्हारे गुस्से को शांत कर देंगे, डाया हो जाता है थ्रू, फेनिन हो जाता है शो, मतलब क्या है, डायाफेनस, OUS अगर किसी में लगाते हैं तो ये क्या बनता है, एडजेक्टिव। डायाफेन का मतलब क्या हो गया, सो लाइट एंड फाइन दैट यू कैन ऑलमोस्ट सी थ्रू इट, इतना हल्का कि जिसके आर पार आप देख सकते हो, समझ रहे हो ना क्या, इतना हल्का जिसके आर पार आप देख सकते हो, सिनोनिम क्या हो जाएगा, गॉजी एंड गैसोमर। एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रख सकते हो द लिटिल लाइट फेड्स द इमेंस एंड डायफेनस शेडोज, जो हल्की सी लाइट है वो इमेंस और डायफेनस शेडोज को मिटाता है, फेड करता है, फेड अवे करता है। ठीक है, तो अब जैसे कि अब याद हो गया ना, थोड़ा सा गुस्सा ठंडा हुआ होगा आई थिंक, तो डायफेनस जैसे कि इनका जो ये आपका यहाँ पर ये जो दुपट्टा है ये क्या है, डायफेनस है, क्योंकि इसके आर पार आप देख पा रहे हो, इसके थ्रू आप देख पा रहे हो, तो डायफेनस का मतलब सो लाइट दैट यू कैन सी थ्रू इट, इतना हल्का जिसके आर पार आप देख पाओ। ठीक है, चलिए अब इस यही इमेज लगा सकता था इसलिए यही लगाई, वरना बाकी तो आप समझ सकते हो डायफेनस क्या क्या हो सकता है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, डिलिटेंटे, तो डिलिटारे, डिलिटारे का मतलब हो जाता है टू डिलाइट और फैनिन का मतलब शो, तो डिलिटेंटे का मीनिंग क्या हुआ, डूइंग और समथिंग विदाउट बीइंग सीरियस अबाउट इट एंड नॉट हैविंग मच नॉलेज, यानी किसी काम को करना बिना सीरियस हुए उसके बारे में और उसके बारे में बिना ज़्यादा नॉलेज के, तो डिलिटेंटे का मतलब हो जाता है आपका आप किसी काम को नॉट प्रोफेशनली कर रहे हो, जैसे एमेच्योरिस्टली करते हैं, एमेच्योर का मतलब यही होता है कि यू आर डूइंग समथिंग बट नॉट प्रोफेशनली, डैबलर या हॉबिस्ट कह सकते हो। मान लीजिए कि आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, आप बहुत खेलते हो क्रिकेट, लेकिन आप प्रोफेशनल क्रिकेटर तो नहीं हो, तो क्या हो, डिलिटेंटे या एमेच्योरिस्टली खेलते हो आप। ठीक है, एंड एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल या स्पेशलिस्ट, आई नो दैट आई विल ऑलवेज बी अ डिलिटेंटे बाई कंपेरिजन, मुझे पता है मैं हमेशा एक डिलिटेंटे रहूंगा, यानी कि अ पर्सन हु इज नॉट अ प्रोफेशनल इन अ पर्टिकुलर फील्ड। सो डिलिटेंटिश इसका एडजेक्टिव हो जाएगा और डिलिटेंटिज्म इसका नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो डिलिटेंटे आप याद रख सकते हो। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने मूवी देखी, जिसने देखी हो कमेंट में मुझे जरूर बताना कि क्या मूवी आपने देखी है।
ये एक मूवी है चॉपस्टिक्स, चॉपस्टिक मूवी है आपकी, नेटफ्लिक्स पे है शायद, और इसमें मिथिला पालकर हैं, अभय देओल हैं, और ये आपके छोटे मियाँ जो आपने टीएसपी वगैरह पे देखे होंगे। तो इसमें मैं आपको बता दूं, जो ये कैरेक्टर है आपका इनका अभय देओल का, ही इज़ अ थीफ बेसिकली, बट ही इज़ अ डिलिटेंटे और एमेचरिश कुक एज वेल, तो वो शेफ भी होता है। तो मेनली इसका जो कैरेक्टर है वो चोर है, लेकिन वो डिलिटेंटे कुक या डिलिटेंटे शेफ आप भी होता है, यानी कि एमेचरिशली वो शेफ का काम भी करता है, बहुत अच्छा खाना भी बनाता है। तो दिस इज़ अ डिलिटेंटे का आप एग्जांपल, इसे याद रख सकते हो। जिन्होंने देखी होगी वो अच्छे से समझ गए होंगे, जिन्होंने नहीं देखी होगी संडे यार एक मूवी निपटा लेना, चॉपस्टिक्स, ठीक है, देख लेना ये। चलो नहीं देखना कोई बात नहीं, मूवी अच्छी है, ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं, हल्की फुल्की मूवी है। चलिए अगला वर्ड क्या आता है, नोवाइस टैरो, अ पर्सन हु हैज लिटिल एक्सपीरियंस और ऑफ समथिंग, यानी कि नोवाइस टैरो का मतलब होता है, इसमें आप नोवाइस भी याद रख लो, तो नोविस का मतलब हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति जिसको कोई बिल्कुल ही किसी फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल जरा सा भी और ना के बराबर एक्सपीरियंस है किसी काम का। सिनोनिम क्या हो जाएगा, अपरेंटिस, बिगिनर हो जाएगा, और एंटोनिम हो जाएगा आपका ओल्ड टाइमर, वेट या फिर वेटरन। एग्जाम्पल के तौर पे हाउस ऑफ टैरो विल टेक यू टू द मूनलाइट हेवन, तो हाउस ऑफ टैरो विल टेक यू टू द मूनलाइट हेवन, इसे आप याद रख सकते हो। टैरो मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। पाता लोग देखिए, देखिए तो कमेंट में जरूर बताना कैसी लगी, मुझे तो ठीक लगी, अच्छी मूवी, अच्छा अच्छी वेब सीरीज़ है। तो पाता लोग में आपको ये कैरेक्टर याद होगा, जिन्होंने नहीं देखी देख लेना यार, ठीक है। सोच रहे होगे सर कितना देखेंगे, इतना तो टाइम भी नहीं है, मत देखना, पढ़ लो, समझ लो। तो टैरो का मतलब क्या है, टैरो आप याद होगा पाताल लोक में एक कैरेक्टर है ये हाथीराम चौधरी का। तो इसमें आपको याद होगा जब शुरुआत में जो पुलिस कमिश्नर होता है वो केस इसको हैंडओवर करता है, तो इसका सीनियर क्या बोलता है, कहता है सर हाथीराम चौधरी को ऐसे केस के बारे में एक्सपीरियंस नहीं है। तो मतलब हाथीराम चौधरी इज टैरो फॉर सच हाई प्रोफाइल केसेस, या हाथीराम चौधरी इज नोविस फॉर सच हाई प्रोफाइल केसेस। तो टैरो नोविस का मतलब क्या हो जाता है आपका, ऐसा व्यक्ति जिसे ज़्यादा जानकारी ना हो। समझ में आ गई बात, सो याद रख सकते हो, ठीक है। मैंने थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश की है, पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। अरे यार कमेंट नहीं करते तुम लोग, कमेंट करते रहा करो तो मुझे पता तो चलता रहे कि तुम क्या सोच रहे हो। मैं तो अपनी बात कह देता हूँ, तुम्हारी बात तो कमेंट के थ्रू पता लगेगी, ठीक है। बाकी आप व्हाट्सअप करके बता सकते हो 8299117042, मैसेज कर देना, वहाँ पे भी बता सकते हो, पसंद आया हो तो मैसेज करना, ठीक, नहीं आया हो तो भी कर सकते हो। चलिए वर्टिसो, वर्टिसो का मतलब क्या है, अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली स्किलफुल एट डूइंग समथिंग स्पेशली प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्य को करने में बहुत ज़्यादा स्किलफुल है, और स्पेशली ये एग्जाम में आपके आया है सीजीएल 2018 मेंस, ठीक है। सीजीएल 2018 मेंस में पूछा गया वर्टिसो मतलब क्या होता है, कोई क्लासिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो है वो बहुत अच्छा बजा लेता है, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है किसी काम को करने में, उसे कहते हैं वर्टिसो। सिनोनिम हो जाएगा एक्सपर्ट, फेंट, वीक, और एंटोनिम इसका एमेच्योर, इनएक्सपर्ट, नोवाइस, टायरो, नॉन एक्सपर्ट हो सकता है। और आपका एग्जाम्पल के तौर पर याद रख सकते हो, हिज हैंडलिंग ऑफ मीटिंग वॉज क्वाइट अ वर्टिसो परफॉर्मेंस, मतलब बहुत अच्छी थी, ठीक। अच्छा एक चीज़ और याद कर लो वर्टिसो के लिए, एक idiom इसका सिनोनिम के रूप में याद कर लो, आपका नोवाइस तो याद कर ही लिया आपने, एक याद कर लो ग्रीन हॉर्न्ड, ग्रीन हॉर्न्ड मतलब बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, और ग्रीन थंब मतलब होता है जिसका, ग्रीन थंब या ग्रीन फिंगर का मतलब होता है जिसका बागवानी में बहुत इंटरेस्ट है, हॉर्टिकल्चर में बहुत इंटरेस्ट है, पेड़ पौधे उगाने में बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है, उसे कहते हैं आपका नोवाइस वर्टिसो। चलिए अगला है हमारा वर्टिसो के लिए एग्जांपल, इन्हें याद रख सकते हो, जैसे ये जाकिर हुसैन साहब हैं जो तबला बहुत अच्छा बजाते हैं, तो इफ ही प्लेज सच गुड तबला, तो इसका मतलब क्या है आपका, ही इज अ वर्टिसो इन हिज फील्ड, राइट, तो आप इसे याद रख सकते हो, ठीक है, याद रखेंगे वर्टिसो। अगला है आपका विरैगो, विरैगो क्या हो जाता है, विरैगो का मतलब हो जाता है वीर मतलब मैन और एगो। अब देखो यहां पर मैं आपको अंग्रेजी की पैट्रियार्की दिखाता हूं, ठीक है, वीर मतलब मैन, और मैन का मतलब इन्होंने क्या मान लिया कि मैन है तो वो बहादुर ही होगा, ब्रेव ही होगा, दिस शोज द पैट्रियार्की ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। ऐसे कई सारे पैट्रियार्की हैं, जैसे एक पैट्रियार्की का मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लो आप कहीं पर समबडी एज अ प्रोनाउन इस्तेमाल करते हो, और अब इसको आपके, इसके लिए आपको प्रोनाउन इस्तेमाल करना है, तो आपकी इंग्लिश की लैंग्वेज की कहती है कि अगर आपको कोई भी नहीं लग रहा कि कौन आना चाहिए तो आप हिज लगाइए अपने मन से, ठीक है, मतलब पैट्रियार्की, देखिए यहाँ पे दूसरा, अगर हिज में कन्फ्यूजन है तब आप इट्स लगा लीजिए, और जब तीसरी बात बिल्कुल कन्फर्म हो जाए तभी हर लगाइएगा, तो ये भी देखो एक पैट्रियार्की का एग्जाम्पल है।
ठीक है, अ वुमन हु इज एग्रेसिव एंड ट्राइज टू टेल पीपल व्हाट टू डू. तो विरागो मतलब हो जाता है वीरांगना स्त्री, जो बहुत वीर है, बहुत एकदम लड़ाका है, उसे कहते हैं विरागो. सिनोनिम हो जाता है हैप्पी, हेरिडन और श्रीव. और एग्जाम्पल के तौर पे याद रख सकते हैं हिज वाइफ इज अ विरागो. सीजीएल 2014 में इसका एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक ठीक है. तो टर्मागेंट या हेरिडन इसके सिनोनिम याद रख सकते हैं. तो विरागो के लिए आप बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई जी को याद रख सकते हो. शी वॉज अ विरागो लेडी, जो बहुत ही ज़्यादा वीरांगना थी और बहुत उन्होंने अच्छे से फाइट किया था. अमेजोन भी आप याद रख सकते हो, ठीक है. अमेजोन का एग्जैक्ट मीनिंग आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा क्या था, होता है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट है हमारा पैट्रियोटिक. तो पैट्रियोटिक याद रख सकते हो, पैटर मतलब हो जाता है फादर. तो पैट्रियोटिक पैटर से ही वर्ड बन गया आपका, मतलब हो जाता है इंस्पायर्ड बाय लव फॉर योर कंट्री, जिसे अपने देश से बहुत प्यार है उसे हम कहते हैं पैट्रियोटिक. ही इज अ पैट्रियोटिक पर्सन, मतलब देशभक्त है. तो पैट्रियोटिक नेशनलिस्टिक या नेशनल सेंस में आता है नेशनलिस्ट. एंटोनिम हो जाएगा अनपैट्रियोटिक. फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट वेरी पैट्रियोटिक, मैं बहुत ज़्यादा देशभक्त नहीं हूँ. तो पैट्रियोटिक मतलब होता है देशभक्त, देश से प्रेम होना. क्यों? पैटर मतलब होता है फादर. तो पैट्रियोटिक मतलब आप अपने देश को फादर मानते हो. तो यहाँ से आप एक चीज़ और देख सकते हो कि हम अपने देश को माँ मानते हैं. हम यहाँ पे पैट्रियार्की को नहीं सपोर्ट करते, लेकिन अंग्रेजी पैट्रियार्की को सपोर्ट करती है. वो पैट्रियार्की कहता है, पैट्रियार्की कहता है कि पैट्रियोटिक कहता है कि जिससे आप फादर मान रहे हो एक तरीके से, राइट. तो फादर को आप लव कर रहे हो. अगला वर्ड है आपका शौवनिज्म. तो शौवनिज्म होता है आपका एक्टिविटी इंडिकेटिव ऑफ बिलीफ इन सुपीरियरिटी ऑफ मैन ओवर वुमेन. यानी कि शौवनिज्म हम उसके कहते हैं, चौवनिज्म में शौवनिज्म हम कहते हैं जो इस बिलीफ को या ऐसे किसी एक्शन को जो ये कहता है कि आप जो पुरुष हैं वो महिलाओं से बेहतर हैं, उसे कहते हैं शौवनिस्टिक एक्ट. तो शौविनिस्ट हो जाएगा नाउन, एडजेक्टिव हो जाएगा शौविनिस्टिक, शौविनिस्टिक, ठीक है. शौविनिस्टिक इसका एडजेक्टिव हो जाता है. कॉमन नाउन हो जाएगा शौविनिस्ट, यानी अ पर्सन विद अ प्रेजुडिस बिलीव विद इन द सुपीरियरिटी ऑफ हिज और हर ओन काइंड, जो ये मानता है कि पुरुष ही प्रधान है, उसे शौविनिस्ट कहेंगे. और शौविनिज्म इस पूरे कॉन्सेप्ट को कह सकते हैं, शौविनिस्टिक एडजेक्टिव हो जाएगा. एंटोनिम जिंगोइज्म, नेशनलिज्म, सुपर पैट्रियोटिज्म लिख सकते हो. एग्जाम्पल के तौर पर बेटी हैड नो आइडिया वॉट मेल शौविनिज्म वॉज, तो बेटी को कोई आइडिया नहीं था. तो इसका एक एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो कबीर सिंह मूवी में, जो कबीर सिंह मूवी है, तो दैट इज़ अ कम्प्लीटली मेल शोविनिस्टिक मूवी जिसमें वेमेन को बहुत ही डिग्रेड किया गया है और उसको उतना रिस्पेक्ट नहीं दिया गया है जितना कि दिया जाना चाहिए. और ज़्यादातर चीज़ें उसमें मेल पैट्रियार्की को शो करती हैं, जब बार बार इनको ये जो प्रीति का कैरेक्टर है उसको थप्पड़ मार देता है. और तो ये चीज़ें क्या हैं, शोविनिस्टिक हैं. तो शोविनिज्म इसी को कहते हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा मेल सुपीरियरिटी की बात करे उसे शोविनिस्टिक चीज़ें कहेंगे, ठीक है. चलिए ऑफेंड मत होना यार किसी बात से, अगर कुछ बुरी लग रही है तो कमेंट में कह सकते हो अच्छे तरीके से, और बुरी लग रही है तो व्हाट्सएप पे कह देना, ठीक. अगला है आपका पैट्रीमनी. पैट्रीमनी का मतलब, पैटर मतलब फादर, तो पैट्रीमनी का मतलब क्या हो जाता है, एन इस्टेट इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और एंसेस्टर. जो आपको फादर से, अपने एंसेस्टर से जो चीज़ मिलती है उसे हम पैट्रीमनी कहते हैं. सिनोनिम क्या हो जाएगा, हेरिटेज, इनहेरिटेंस या लीगेसी, ठीक. तो फॉर एग्जाम्पल हिज ग्रैंड फादर लेफ्ट द पैट्रीमनी टू हिम, उनके ग्रैंड फादर ने पैट्रीमनी उनके लिए छोड़ी, यानी कि उनको उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जायदाद को, संपत्ति को छोड़ा है. एडजेक्टिव हो जाएगा पैट्रीमोनियल, ठीक है. चलिए अब देखिए पैट्रीमनी को याद रखने के लिए आप अभी कल एक मूवी ट्रेलर रिलीज हुआ है, अगर आपको आपने देखा है, नहीं देखा है जाकर देख लेना, 2 मिनट का मूवी ट्रेलर है गुलाबो सिताबो, ठीक है. अब गुलाबो सिताबो मूवी में है क्या बेसिकली, कि ये जो एक हवेली है, इस हवेली के मालिक हैं ये अमिताभ बच्चन जी का जो कैरेक्टर है, आई डोंट नो द नेम, और ये इनको पैट्रीमनी के रूप में मिली है अपने फोर फादर से, अपने एंसेस्टर से, एंड ही डजंट वांट टू लीव दैट. तो इसी को हम कहते हैं पैट्रीमनी, समझ रहे हैं. पैट्रीमनी क्या है आपका, पैट्रीमनी अपने एंसेस्टर से जो आपको मिलता है उसे हम कहते हैं पैट्रीमनी, ठीक. तो याद रख सकते हो गुलाबो सिताबो मूवी में जो फादर, उनके अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर को जो अपने फादर से हवेली मिली है, दिस इज पैट्रीमनी, ठीक, टिपिकल एग्जांपल ऑफ पैट्रीमनी. चलिए अगला वर्ड आपका क्या है, पैट्रोनिमिक. पैट्रोनिमिक हमारा क्या हो जाता है, ओनिमा. ओनिमा मतलब हो गया नेम, एंड पैटर मतलब हो गया फादर, मतलब जो आपको फादर से नेम मिलता है दैट इज कॉल्ड पैट्रोनिमिक. अ नेम डिराइव्ड फ्रॉम दैट ऑफ द फादर और अ पैटर्नल एंसेस्टर यूजुअली बाय द एडिशन ऑफ एन एफिक्स. तो जैसे फादर के नाम से जो आपको नाम मिलता है उसे हम कहते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, तो सचिन जी का नाम क्या है, सचिन रमेश तेंदुलकर, तो रमेश उनके फादर का नाम था, तो इसी को हम कहते हैं आपका पैट्रोनिमिक, ये जो नाम है पैट्रोनिमिक है.
नो वन कॉल्स यू बाय योर पेट्रोनिमिक, यानी आपके फादर के नेम से कोई नहीं बुलाता है आपको, ठीक। अगला वर्ड एंटी, एंटी मतलब हो जाता है अगेंस्ट, ओनिमा मतलब नेम, तो एंटोनिम आप सभी को पता है, हम लोग याद ही करते रहते हैं, एंटोनिम मतलब जिसका अपोजिट मीनिंग है, ठीक। अगला है होमोनिम, तो ओनिमा मतलब नेम, होमोस मतलब हो जाता है सेम, तो होमोनिम का मतलब हो गया टू वर्ड्स आर होमोनिम्स इफ दे आर प्रोड्यूस्ड और स्पेल्ड द सेम वे बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स, यानी कि दो, जैसे कि आपका नो एंड नो, इनका प्रोनाउंसिएशन सेम है, मीनिंग अलग अलग है। बैट, प्रोनाउंसिएशन ही सेम है, बैट के दो अर्थ हो जाते हैं, एक क्रिकेट बैट है, एक आपका बैट जिसकी वजह से कोरोना फैला है। टाई, टाई मतलब बांधना भी हो जाता है, टाई मतलब गले में लगाने वाली टाई भी हो जाती है। सिंक मतलब डूबना भी हो जाता है, सिंक में आप हाथ भी धोते हैं, बर्तन भी धोते हैं। फ्लाई मतलब मधुमक्खी भी हो जाता है, और फ्लाई मतलब उड़ना भी हो जाता है, तो ये सब क्या है, होमोनिम्स हो जाते हैं। अब देखिए पैटर्निटी, पैटर्निटी मतलब क्या होता है, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग अ फादर, फादर होने की स्टेट या क्वालिटी को हम कहते हैं पैटर्निटी। द पैटर्निटी ऑफ चाइल्ड इज इन डिस्प्यूट, यानी कि फादर जो है उसका कौन है इस ये बात डिस्प्यूट में है। एडजेक्टिव हो जाता है पैटर्नल, यानी कि जो फादर के साइड के जो लोग होते हैं उन्हें पैटर्नल कहते हैं, ठीक है, पैटर्नल अंकल, पैटर्नल ग्रैंड मदर, पैटर्नल मदर। पैटर्नलिज्म, पैटर्नलिज्म इसी का नाउन बन जाएगा, मीनिंग हो जाता है द एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन और गवर्नमेंट दैट सबऑर्डिनेट शुड बी कंट्रोल्ड इन अ फादरली वे फॉर देयर ओन गुड, तो इसी के हम कहेंगे पैटर्नलिज्म। सच प्रोग्राम्स आर ऑफन मिस्टेकन फॉर कॉर्पोरेट फॉर पैटर्नलिज्म, पैटर्नलिज्म का मतलब ये है कि फादर के जैसे आप किसी को ट्रीट करें, इस सेंस में पैटर्नलिज्म आ जाता है। पैट्रियार्क, पैट्रियार्क और पैट्रियार्की, पैट्रियार्की भी इसी से नाउन बनेगा, पैट्रियार्क हो जाता है वो व्यक्ति जो ये मानता है कि जो मैन है, मेन है, वो सुपीरियर है फीमेल से इन एवरी वे, उसे कहते हैं पैट्रियार्क। सो ही इज इट्स फाउंडर, लीडर एंड पैट्रियार्क, वो ही इसके फाउंडर हैं, लीडर हैं और पैट्रियार्क हैं जो इससे सपोर्ट करते हैं। एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, पैट्रियार्की, यानी कि वो व्यक्ति जो पैट्रियार्की को सपोर्ट करेगा, यानी कि फादर उसको जो ये मान रहा है कि फादर सुपीरियर है। जैसे हमारी सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो पैट्रियार्कियल है, जहाँ पे फादर को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं देन मदर। इसी से वर्ड बनते हैं आपके अलग अलग वर्ड जो हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। साइड का मतलब है किलिंग, पैटर मतलब हो गया फादर, तो पेरीसाइड, पेरीसाइड का मतलब हो जाता है द मर्डर ऑफ योर ओन फादर और मदर, तो फादर या फिर मदर की जो डेथ को हम कहते हैं पेरीसाइड, यानी पेरेंट्स में से किसी की भी हत्या को हम क्या कहते हैं, पेरीसाइड। फियर एंड ग्रीड एक्सपोज द स्पेसशिप क्रू टू एन एलियन पेरीसाइड, पैरासाइट, ठीक है, तो पेरीसाइड मतलब फादर की हत्या। मैट्रियार्क मतलब ऐसी फैमिली जहाँ पर फीमेल जो है वो हेड ऑफ फैमिली है या ट्राइब है, उसे हम कहते हैं मैट्रियार्क। जैसे नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं जहाँ पर फीमेल्स ही परिवार का मुखिया होती हैं, तो मैट्रियार्क उसे कहते हैं। सिनोनिम हो जाएगा डेम, डॉगर, ग्रेड, ग्रैंड डेम या मैट्रन, ठीक है। मैटर्निटी, मैटर्निटी जैसे कि आप जो भी मैटर्निटी लीव मिलती है, जैसे कोई भी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और उसे उसका कोई भी बच्चा है, तो 18 साल तक उसको एक साल तक की वो लीव शायद ले सकता है, आई एम नॉट श्योर कितने टाइम, दो साल की है, एक साल की है, वो मैटर्निटी लीव होती है। द स्टेट ऑफ बींग, मैटर्निटी मतलब द स्टेट ऑफ बींग प्रेगनेंट, यानी उसे कहते हैं, तो मदरलीनेस सिनोनिम हो जाएगा। द कॉन्ट्रैक्ट गिव्स अ फीमेल एग्जीक्यूटिव मैटर्निटी लीव राइट्स, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट है वो फीमेल एग्जीक्यूटिव को मैटर्निटी लीव राइट्स देता है। अगला क्या है, मैटर्नल, मैटर्नल का मतलब हो जाता है ऑफ, रिलेटिंग टू, बिलोंगिंग टू और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मदर, ठीक है, मैटर्नल मतलब मदर के से, जैसे पैटर्नल बताया, फादर के साइड से जो भी होगा उसे पैटर्नल अंकल, पैटर्नल ग्रैंड मदर, पैटर्नल ग्रैंड फादर कहते हैं। माता की साइड से जो भी होगा उसे मैटर्नल अंकल, मैटर्नल फादर या उसे कहेंगे, ठीक है, जैसे मामा है तो मैटर्नल अंकल, मामी है तो मैटर्नल आंटी, ठीक। सिनोनिम मदर या मदरली हो जाएगा। हर मैटरनल ग्रैंडफादर वॉज मेयर ऑफ कराची। मैट्रन, मैट्रन हम उसे कहते हैं, वह वेमेन जो सुपरवाइज करती है वुमेन या फिर चिल्ड्रन को, उसे हम मैट्रन कहते हैं, ठीक है, तो मैट्रन उसे कहेंगे, जो मैट्रन बोर डाउन अपॉन द टेरिफाइड नर्सेस, तो जो सुपरवाइज कर रही है नर्सेस वगैरह को, उसे कहते हैं। एल्मा मीटर, एल्मा मतलब होता है सोल, मैटर मतलब होता है मदर, तो एक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जहाँ से आप पढ़ के आए हैं उसे आप एल्मा मीटर कहते हैं। जैसे कि यू शुड विजिट टू योर एल्मा मीटर वंस ऑन एंड ऑफ, तुम्हें कभी कभी जाना चाहिए, तो आई विजिटेड माई ओल्ड एल्मा मीटर लास्ट वीक, मैं पुराने अपने स्कूल में लास्ट वीक गया। अगला वर्ड आपका है मैट्रीमनी, तो मैट्रीमोनियल साइट्स होती हैं, मैट्रीमनी का मतलब हो जाता है मैट्रीमोनियल साइट्स वगैरह जो होती हैं। द सेरेमनी और सैक्रामेंट ऑफ मैरिज, उसे कहेंगे मैट्रीमनी, शादी से रिलेटेड जो है उसे मैट्रीमनी में आ जाता है। मैरिज मैच या वेडलॉक इज कॉल्ड, दे वर ज्वाइंट टुगेदर इन होली मैट्रीमोनी, यानी कि उन्हें एक शादी में उन्हें बांध दिया गया, बंधन में बांध दिया गया।
अगला है मैट्रिसाइड, तो साइड मतलब किनिंग, मैट्रिसाइड मतलब हो गया जो अपनी मदर की हत्या करे उसे मैट्रिसाइड कह देंगे। सुसाइड जो खुद की हत्या करेगा, सु मतलब वन सेल्फ, साइड मतलब हत्या, तो खुद की हत्या को हम कहते हैं सुसाइड। फ्रैट्रीसाइड मतलब हो जाता है अ पर्सन हु मर्डर्स डियर ब्रदर, जो अपने भाई की हत्या करेगा उसे हम फ्रैट्रीसाइड कह देते हैं, ठीक है। और सोरोरीसाइड, सोरोरीसाइड मतलब हो जाता है वह व्यक्ति जो अपनी सिस्टर की हत्या करेगा उसे हम कहते हैं सोरोरीसाइड। सोरोर मतलब हो गया सिस्टर, साइड मतलब किलिंग, तो सोरोरीसाइड उसे कह देंगे। और होमीसाइड मतलब हो जाता है होमो मतलब पर्सन, साइड मतलब किलिंग, तो होमीसाइड का मतलब हो गया किलिंग ऑफ वंस वन ह्यूमन बीइंग बाय अनदर, खुद की किसी एक ह्यूमन बीइंग की हत्या दूसरे व्यक्ति के द्वारा की जाने को हम कहते हैं होमीसाइड। सो द जूरी रिटर्न्ड अ वर्डिक्ट ऑफ जस्टिफाइबल होमीसाइड। रिगीसाइड इज कॉल्ड, रिगी मतलब होता है किंग, साइड मतलब किंग, किलिंग, तो रिगीसाइड हो गया द एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग, राजा की हत्या को हम कहते हैं रिगीसाइड। सम ऑफ द रिगीसाइड्स वर सेंटेंस टू डेथ। यूक्सोरीसाइड, यूक्सोर मतलब हो गया वाइफ, साइड हो गया किलिंग, तो यूक्सोरीसाइड इज अ मैन हु मर्डर्स हिज वाइफ, जो अपनी वाइफ की हत्या करता है उसे कहते हैं यूक्सोरीसाइड। तो रिस्क ऑफ यूक्सोरीसाइड इंक्रीज्ड विद ग्रेटर एज डिफरेंस बिटवीन पार्टनर्स, ठीक है, तो दैट इज यूक्सोरीसाइड। ओके, नेक्स्ट इज मैरिटीसाइड। मैरिटीसाइड मतलब हो जाता है वन दैट मर्डर्स और किल्स हर स्पाउस। मैरिटीसाइड का मतलब हो गया, एक सेकेंड, हाँ, मैरिटीसाइड का मतलब हो जाता है वन दैट मर्डर्स और किल्स हर स्पाउस, जो अपने हस्बैंड, मैरिटस मतलब हस्बैंड, तो जो हस्बैंड की हत्या करे उसे मैरिटस मैरिटीसाइड कह सकते हैं, या फिर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी की हत्या करेगा उसे हम कह सकते हैं मैरिटीसाइड, ठीक है। तो आप सिंपली याद रख सकते हो मैरिटीसाइड के लिए, ठीक। नेक्स्ट है इन्फेंटीसाइड। इन्फेंटीसाइड मतलब हो जाता है इन्फेंटिस मतलब बेबी, इन्फेंटीसाइड मतलब किलिंग, इन्फेंटीसाइड मतलब पर्सन हु मर्डर्स एन इन्फेंट, जो इन्फेंट की हत्या करेगा उसे मेरी इन्फेंटीसाइड कह देंगे, ठीक। नेक्स्ट है जीनोसाइड। जीनो मतलब आपका जीनो मतलब पूरी जीन रेस, ठीक है, काइंड। और जीनोसाइड मतलब सिस्टमेटिक किलिंग ऑफ अ रेशियल और कल्चरल ग्रुप इज कॉल्ड जीनोसाइड। जैसे हिटलर इज नोन फॉर हिज जीनोसाइड, उसने जो हत्याएं की थी बहुत सारी उनके लिए वो जाना जाता है। द मिलिट्री लीडर्स वर अक्यूज्ड ऑफ जीनोसाइड। पैरीसाइड हो जाता है मर्डर ऑफ योर ओन फादर। पैरी मतलब हो गया फादर, तो साइड हो गया किलिंग, तो किलिंग ऑफ योर फादर इज कॉल्ड पैरीसाइड। और अगला वर्ड है फ्रैटरनाइज। फ्रैटर मतलब ब्रदर, एंड आईजेडी किसी में लगाते हैं तो बनता है वर्ब, तो किसी को ब्रदर बना लेना, मतलब किसी एनिमी को इतना अच्छे से उसके बिलीव बिहेव करना या उसके साथ ऐसे पेश आना कि जैसे आप उसके भाई हो गए हो एकदम। तो फ्रैटरनाइज का मतलब हो गया टू बी ऑन फ्रेंडली टर्म्स विद समवन एज इफ विद अ ब्रदर स्पेशली विद एनिमी, तो किसी के साथ में इस तरीके से बिहेव करना या इस तरीके से ट्रीट पेश आना जैसे आप उसके भाई हो गए हो विद स्पेशली विद द एनिमी इज कॉल्ड फ्रैटरनाइज। फ्रैटर्नल इज द वर्ड एंड फ्रैटर्निटी इसका नाउन हो जाएगा। सिनोनिम हो जाएगा एसोसिएट, चम या कंपनी। सोल्जर्स हु फ्रैटरनाइज विद एनिमी विल बी पनिश्ड, ठीक। चलिए, फ्रैटरनाइज के लिए आप याद रख सकते हो ये पिक्चर को, वंस मोदी जी मेट दिस नवाज शरीफ एंड ही ट्राइड टू फ्रैटरनाइज हिम बट दैट डिड नॉट वर्क, ठीक। अगला है सोरोरिटी। सोरोर मतलब क्या बताया था, सिस्टर, तो सोरोरिटी मतलब हो जाता है आपका सोशल क्लब ऑफ फीमेल अंडर ग्रेजुएट्स। ये आप याद रख सकते हो सोरोरिटी के लिए, फोमो शॉर्ट्स ये वेब सीरीज आई थी प्राइम वीडियो पे। अ सोरोरिटी मेंबर ऑफर्ड अ रशी अ सिगरेट, राइट। सो लेट्स कीप इट टिल हियर। आई होप जितने भी वर्ड्स मैंने बताए आप सभी को याद हुए होंगे। अगर याद हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और सभी लोग प्लीज शेयर जरूर कीजिए वीडियो को। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे अटेंडेड जरूर लिख के बताइए कि आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, ठीक है। प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। पीडीएफ के लिए, पीडीएफ आपको जब पूरा पार्ट हो जाएगा तब मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड AMANT इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कोई और बात है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे। सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे अहेड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। कल संडे है, कल कोई वीडियो नहीं आएगा, अगला वीडियो अब आपको मंडे को आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपकी कुछ भी डिमांड है, कुछ भी आपको कहना है, व्हाट्सएप नंबर ओपन है, जस्ट पिंग दे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।